बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप भी जॉब से निकाले जा चुके हैं या आप अपने सीवी लेकर जगह जगह फिर रहे हैं, आपको कोई मुनासिब जॉब जो है वो नहीं मिल रही, या आप भी अपनी पुरानी जॉब से तंग आ चुके हैं और किसी नई जॉब के इंतज़ार में हैं, तो घबराइएगा मत, क्योंकि मैं देने वाला हूँ आपको आज की इस वीडियो में ऐसी कमाल की जॉब्स जो कि आप जो है उसे अप्लाई करके एक अच्छा सा रोज़गार जो है वो हासिल कर सकते हैं। और मज़ीद इस तरह की अच्छी और जॉब्स के मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने सब्सक्राइबर को देते हैं डेली बेसिस पर न्यू गवर्नमेंट की जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, एनजीओ जॉब्स और इस तरह की ना जाने कितनी ही जॉब्स हैं जो कि पाकिस्तान में डेली बेसिस पर आती हैं। उनकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि उस पर अप्लाई किस तरह से करना है, और अगर फिर भी आपको कोई मसला आ जाए तो फिर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको मुकम्मल रहनुमाई फ्राहम करने को तैयार हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हमारी इस वीडियो को आपने हर उस बंदे तक लाजमी शेयर करना है जिसको भी ये मसला, यानी कि जिसको जॉब्स नहीं मिल रही या वो भी अपनी पुरानी जॉब से निकाला जा चुका है या तंग आ चुका है। आज की इस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लाया हूं जिन्होंने लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई किया था, और अब उन्होंने आगे क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी चल गया कि उनके रोल नंबर स्लिप्स जो है वो भी आ गए हैं, और जिनको अभी तक नहीं पता कि रोल नंबर स्लिप जो है वो कहाँ से निकालनी है और किस तरह से उसे प्रिंट करवाना है, टेस्ट जो है वो किस बेस पर होगा और कहाँ पर होगा, तो वो मैं सब चीज़ें आपको क्लियर करूँगा आज की इस छोटी सी वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखे हुए हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से उनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो भी पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। लेकिन हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जो है वो चलते हैं कि हम अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो किस तरह से चेक कर सकते हैं, कि जिस भी लैपटॉप स्कीम के लिए हमने अप्लाई किया था कि हम उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, नीचे आपको लिंक जो है वो दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन है, तो आपने वहाँ पर जो है वो क्लिक करना है, या आपने आ जाना है www.bhattiapk.com, जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर आने के बाद जैसे ही दोस्तों आप जो है वेबसाइट ओपन करेंगे, तो फर्स्ट नंबर पर ही आपको ये चीज़ जो है वो मतलब दिखाई देगी, ये वाला थंबनेल, ये वाली जो पोस्ट है, तो इसके नीचे नीचे आपने आ जाना है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ टू चेक एलिजिबिलिटी, तो आपने क्या करना है, क्लिक हेयर टू चेक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पर जो है वो क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों आप जो है वो यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। याद रहे, सिर्फ वो वाले स्टूडेंट ही एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं जिन्होंने स्टैंडर्ड टेस्टिंग सर्विस की, जो मैंने कि 2 महीने पहले एक वीडियो जो है वो दी थी, उस पर अप्लाई किया था लैपटॉप स्कीम और स्कॉलरशिप के लिए, तो वो ही स्टूडेंट जो है इस पर अप्लाई कर, यानी कि अपनी एलिजिबिलिटी जो है वो चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, जैसे ही आपका ये वाला पेज जो है वो ओपन हो, तो आपने यहां पर CNIC नंबर या बेफार्म नंबर जो है वो अपना लिखना है, जो कि आपने अपने चलान फॉर्म जो है वो लिखा था। तो जैसे लिखने के बाद गेस्ट टेंडर पर जो है दोस्तों आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का शेप जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके मुकम्मल डिटेल जो है बिल्कुल तफसील के साथ जो है वो लिखी होगी, और यहाँ पर आपको ये भी बताया होगा कि आप जो है मतलब आपने टेस्ट जो है वो कहाँ पर देना है, क्योंकि जिस भी आपने डिस्ट्रिक्ट को जो है वो सिलेक्ट किया होगा, तो उसके रिलेटेड जो करीबी शहर होगा उसमें ही आपका टेस्ट होगा, और साथ ही साथ ये भी बताया होगा कि कौन सा सेंटर है और क्या टाइम है, तो ये भी आप इसी तरीके से जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्योंकि मैंने अपने छोटे भाई के लिए जो है वो अप्लाई किया था, और यहां पर आप देख सकते हैं कि टेस्ट जो है उसकी तारीख जो है वो संडे वाले दिन है, और एक जो लैपटॉप स्कीम के लिए हमने अप्लाई किया था उसका टेस्ट जो है 8 बजे है, जबकि जो हमने स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई किया था उसका टेस्ट जो है 10:30 बजे है। तो यहाँ पर उनका जो ये भी आप चेक कर सकते हैं कि रोल नंबर लिखने का तरीकाकार जो है यहाँ पर आपको बताया हुआ है, तो आप इजीली तरीके से यहाँ से देख सकते हैं। जो मोस्टली न्यू स्टूडेंट होंगे यानी कि 9th वाले, तो उनको काफ़ी मुश्किल जो है यहाँ पर आ सकती है रोल नंबर स्लिप के हवाले से, तो आपने क्या करना है, रोल नंबर स्लिप का या रोल नंबर का जो तरीकाकार है, तो यहाँ पर इजीली तरीके से आपने देख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इस रूल नंबर स्लिप को आपने लाजमी जो है वो प्रिंट करवाना है, आपने किसी प्रिंटर वाली दुकान पर जाना है, और वहां पर जाने के बाद ये अपनी ये वाली जो मैंने आपको वेबसाइट जो है वो ओपन करके दिया है www.bhattiapk.com, तो वहां पर जाने के बाद आपने अपनी एलिजिबिलिटी जो है वो चेक करना है, अगर आप इलिजिबल हैं तो आपने अपनी रूल नंबर यह स्लिप जो है वो प्रिंट करा लेनी है, और इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो यहां पर यह भी देख लें कि रूल नंबर स्लिप बेफार्म शनाख्ती कार्ड या असल बैंक चलान फार्म के बगैर सेंटर में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। तो यहां पर आप
ये आसानी के साथ जो है वो देख सकते हैं कि आपने रोल नंबर स्लिप जो है वो भी लानी है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो वो भी आप लेकर आ सकते हैं, नहीं तो आप बे फार्म जो है आपने लाजमी लेकर आना है, और बैंक का जो चलान फार्म है जो कि आपने भरा था बैंक में तो वो भी आपने लाजमी लाना है, वरना आपको सेंटर के अंदर जो है पेपर देने की इजाज़त नहीं होगी। उसके बाद बाकी भी थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखी गई है कि आप मोबाइल फ़ोन जो है वो नहीं लेकर आ सकते, लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर, कैलकुलेटर या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो भी आप इसके अंदर जो है वो नहीं लेकर आ सकते। और उसके नीचे लिखा हुआ स्लैब में किसी किस्म की दुरुस्ती के लिए फौरी तौर पर स्लैब पर दिए गए मोबाइल नंबर पर जो है वो रब्ता करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लैब के नीचे ये जो आपको रोल नंबर जो है यानी कि नंबर जो है फ़ोन नंबर जो है वो दिखाई दे रहे हैं, तो आप इन पर भी रब्ता कर सकते हैं अगर आपकी स्लैब में कोई भी इशू है तो, या आप मुझे भी बता सकते हैं, मैं भी आपको इसका एक अच्छा सा हाल जो है वो बता सकता हूँ, सोल्यूशन जो है वो दे सकता हूँ। तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने चेक किया कि आप जो है किस तरह से अपनी एलिजिबिलिटी जो है वो चेक कर सकते हैं। और उसके साथ दोस्तों ये अगर आपको लोकेशन का नहीं पता तो आपने गूगल मैप जो है वो ओपन कर लेना है, और अपने गूगल मैप पर जाने के बाद जो भी लोकेशन जो है यहाँ पर दी हुई है, एड्रेस जो दिया हुआ है अपने टेस्ट का सेंटर का, तो वो अपने इस पर जो है वो सर्च कर लेना है। तो आप यहाँ पर इसी तरीके से देख सकते हैं कि आप किस शहर में किस जगह पर जो है आप जा सकते हैं टेस्ट देने के लिए। तो मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के साथ, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।